संस्थागत मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और वरिष्ठ जजों के बीच मतभेद जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन लोकुर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए जाने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि संस्थागत मुद्दों को सुलझाने और शीर्ष अदालत का भविष्य तय करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अभी तक इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई ने सोमवार को लंच के दौरान होने वाली रूटीन मीटिंग में भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए जाने की मांग की थी, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जज शामिल होते हैं, जिसे मुख्य न्यायाधीश बुलाते हैं। आमतौर पर फुल कोर्ट मीटिंग न्यायपालिका के सामने आए जनहित से जुड़े किसी मुद्दे पर बुलाई जाती है। ये तीसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग की मांग उठाई है। इससे पहले 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार के गैर जरूरी दखल के मुद्दे पर सभी जजों को चिट्ठी लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग की मांग उठाई थी। इसी तरह की चिट्ठी बीते 9 अप्रैल को जस्टिस कुरियन जोसेफ भी लिख चुके हैं।